हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। वेलकम टू डे टू ऑफ एडिशन फोर। कैसे हो आप सब? कल की कहानी कैसी लगी थी? बनाई आप लोगों ने वाटर साइकिल? और जानना वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, पानी की कमी है तो हम पानी कैसे कैसे बचा सकते हैं, ये सब जरूर जानना। पर आज की कहानी हमारी किस पर है? आज की कहानी हमारी हाथी पर है। आपने हाथी कहाँ कहाँ पे देखे हैं? जयपुर में मैंने हाथी आमेर में देखे हैं, आसाम में मैंने हाथी काजीरंगा नेशनल पार्क में देखे हैं। और हाथी आपने कहाँ कहाँ पे देखे हैं? अच्छा, हमने हाथी पे कोई कहानी करी थी, हाथी कैसा होता है ये हमने एक स्टोरी में सुना था। आज हम फिर से एक हाथी की कहानी करेंगे, पर आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है। इसलिए पहले हम हाथी पे सॉन्ग करेंगे, फिर हम स्टोरी करेंगे और फिर एक्टिविटी करेंगे। तो आओ पहले एक सॉन्ग करते हैं। धम धम करता हाथी अपनी सूंड उठाता, हाथी हमें हंसाता, हमें हंसाता, सैर कराता, ऊ ऊ सैर कराता, ऊ ऊ गन्ने देखो खाता हाथी। दम दम करता हाथी अपनी सूंड उठाता, हाथी हमें हंसाता, सैर कराता, गन्ने देखो खाता हाथी। दम दम करता आता हाथी, कैसे आता है हाथी? और सूंड कैसे उठाता है? कितनी ऊपर जाती है हाथी की सूंड। आज हम एक कहानी सुन रहे हैं जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एल्मा नाम का हाथी है, उस पे है ये कहानी। आपने सुनी है एल्मा नाम के हाथी की कोई कहानी? तो चलो आज एक कहानी सुनते हैं। और इस कहानी में हम चलेंगे आसाम। तो आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क में सारे हाथी रहते हैं, छोटा हाथी, लंबा हाथी, पतला हाथी, मोटा हाथी, ये सब हाथी एक साथ रहते हैं। और इनमें सभी हाथियों का रंग कैसा है? ग्रे है। पर एक हाथी है जिसका नाम एल्मा है, वो रंग बिरंगा है। एल्मा का रंग नीला है, पीला है, काला है, सफेद है, नारंगी है, भूरा है, बैंगनी है। एल्मा तो रंग बिरंगा हाथी है। और अपने गांव में सभी हाथियों को एल्मा ऐसे ऐसे चुटकुले, ऐसे जोक सुना सुना के बहुत हंसाता है। और जब एल्मा जोक सुनाता है तो सब हाथी कैसे हंसते हैं? चलो हंसो मेरे साथ। कैसे हंसते हैं सब हाथी? सब हाथियों को एल्मा बहुत हंसाता है। एक रात एल्मा सो रहा था और उसकी अचानक नींद खुली और वो बहुत घबरा गया। उसके मन में एक ही सवाल चलता जा रहा था, सब हाथी एक जैसे दिखते हो? मैं रंग बिरंगा हूं, मैं सबसे अलग दिखता हूं। मैं इतना परेशान हो रहा था वो इस बात से, और ये सोचे जा रहा था कि इसीलिए ये सब मेरे जोक्स पे हंसते हैं, क्योंकि मैं अलग दिखता हूं ना, इसलिए सब ये ऐसे तेज ताली मार मार के हो 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 करते हैं मेरे पे। मैं सबसे अलग दिखता हूं इसलिए सब मेरा मजाक बनाते हैं। और ये सोच के वो चल दिया एक जंगल की ओर। और कैसे गया हाथी जंगल की ओर? दम और वो जंगल के रास्ते में उसे एक शेर मिला। और शेर ने एल्मा को बोला, गुड मॉर्निंग एल्मा।
भी कह दिया गुड मॉर्निंग, और एल्मा आगे बढ़ता गया। और कैसे गया एल्मा? चलो एल्मा की तरह चलते हैं, दम दम। अब रास्ते में एल्मा को एक चीता मिला और चीते ने भी एल्मा को क्या बोला? गुड मॉर्निंग एल्मा। और एल्मा ने भी जवाब दिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चीता। अब एल्मा वापस आगे गया और कैसे जा रहा है वो? दम दम। और अब एल्मा को कौन मिला? एक जिराफ मिला। और जिराफ कैसा होता है बच्चों? लंबी गर्दन वाला। इतनी लंबी गर्दन से वो एक पेड़ के पत्ते खा रहा था, सारे पत्ते खा रहा था। और इतने में एल्मा भी जाके उस पेड़ को देखने लगा और उसे उस पेड़ पर जामुन दिखाई दिए। और जामुनों को देख के एल्मा बहुत खुश हुआ। एल्मा ने सोचा इन जामुनों का रंग तो मेरे जो गांव में जो खाती है ना उनके जैसा ही है, तो मैं क्या करता हूं इन सब जामुनों को नीचे गिरा लेता हूं और ये सब जामुन नीचे गिर जाएंगे, फिर मैं इनका जो रंग है जो मेरे गांव में जो खाती है उनके रंग का मैं भी हो जाऊंगा जामुनों को लगा लगा के। तो एल्मा ने क्या किया, चलो हम भी वैसे ही करेंगे। अब एल्मा ने क्या किया, उस सब जामुनों को गिराने के लिए पहले वो ऐसे कूदा दम दम, और फिर कूदा दम दम, और फिर कूदा दम 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 दम, और सारे जामुन गिर के नीचे जमीन पे आ गए। एल्मा ने उन जामुनों का रंग देखते ही सोचा अब हंसो मुझ पे, मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। और उसने क्या किया, अपने आप को रगड़ना चालू किया, चलो जामुनों को रगड़ो हमें बाकी हाथियों जैसा होना है ना, एल्मा की मदद करो। ऐसे पूरा अपने आप को एल्मा ने रगड़ लिया। अब एल्मा कैसा हो गया था? ग्रे रंग का, जैसे बाकी सारे हाथी थे उसके गांव में। और बड़ी शान से अपनी सूंड उठाता हुआ एल्मा फिर से चल दिया दम ददम ददम। रस्ते में उसे कौन मिला? चूहा मिला, चूहा। और चूहे को देखते ही एल्मा रुका और चूहे ने बोला गुड मॉर्निंग हाथी, गुड मॉर्निंग। एल्मा बहुत कंफ्यूज हो गया, ये चूहा मुझे जाना नहीं कि मैं एल्मा हूं, इसने मुझे बोला गुड मॉर्निंग हाथी, देखूंगा मैं। और एल्मा चलता गया दम ददम। और अब उसे कौन मिला? फ्रॉग। और फ्रॉग कैसे करता है? टर, टर। पर उस फ्रॉग ने भी एल्मा को देख के क्या बोला? गुड मॉर्निंग हाथी। एल्मा फिर से कंफ्यूज हो गया कि ये सब मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रहे, बार बार बोल रहे गुड मॉर्निंग हाथी, गुड मॉर्निंग हाथी। मैं तो अपने गांव जाऊंगा और अपने सब हाथियों से मिलूंगा। फिर से शान से अपनी सूंड उठाकर एल्मा कैसे चल दिया? अब मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलोगे। हाँ, और जब वो अपने गांव में पहुंचा और वहां के सारे हाथी बिल्कुल ऐसे शांत बैठे थे, इतने सीरियस लग रहे थे कि एल्मा घबरा गया कि हुआ क्या है, ये सब मुझे पहचान ही नहीं रहे कि मैं एल्मा हूं और बिल्कुल इनके जैसा हो गया हूं। किसी ने भी एल्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर एल्मा ने क्या किया, अपनी सूंड उठाई और एक जोक सुना दिया। जोक सुनते ही सब लोग क्या करने लगे उसके जोक सुनते ही सबको याद आ गया कि ये तो कौन है हमारा, एल्मा है एल्मा। और इतनी ही देर में बादलों से आवाज आई गुड 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 गुड, और बहुत तेज बारिश होने लगी। तो चलो ऐसे करो सब मेरे साथ, इतनी तेज बारिश होने लगी कि एल्मा का सारा रंग जो उसने रगड़ रगड़ के लिया था वो सारा रंग बह गया।
और अहलमा फिर से कैसा हो गया? रंग बिरंगा हाथी। और जब रंग बिरंगे हाथी को सबने देखा तो बोला, अरे ये तो हमारा अहलमा है जिसने अपना रंग ही बदल लिया था। और उस दिन से गांव के सभी हाथियों ने सोचा, आज का दिन अब से अहलमा डे के रूप में मनाया जाएगा। और वो हर साल इस दिन को अहलमा डे के नाम से मनाते हैं, जिसमें सब हाथी क्या करते हैं, वो खुद तो रंग बिरंगे हो जाते हैं, नीला रंग, पीला रंग, काला, सफेद, गुलाबी, हरा, बैंगनी, नारंगी, सारे रंग अपने ऊपर ले लेते हैं। और अहलमा कौन से रंग का हो जाता है? ग्रे रंग का। तो ये थी कहानी अहलमा द एलिफेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एक रंग बिरंगा हाथी बनाएंगे। इस हाथी को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आओ हम एक एक्टिविटी भी करते हैं। इस एक्टिविटी को बनाने के लिए आपको ये शीट्स चाहिए। ये जो शीट रहेगी ये हमारी एलिफेंट का पूरा बॉडी बनेगी, और ये आईज और एलिफेंट के दांत के लिए चाहिए हमको, सिजर्स कट करने के लिए, फेविकॉल चिपकाने के लिए, स्ट्रॉ चाहिए। अगर आपके पास में स्ट्रॉ नहीं है तो आप इस तरीके से पेपर को भी रोल कर सकते हैं, और कलर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस शीट का स्क्वायर बनाएंगे। तो आओ सबसे पहले इस शीट का स्क्वायर बना लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ये हम इसकी सूंड के लिए काम में लेंगे, तो इसको आप फाड़ तो लो पर हम इसको सूंड के लिए काम में लेंगे। और इसको भी हमको शीट को फाड़ना है, इसके भी दो हिस्से करने हैं, तो इसको भी हम कैंची से काट लेते हैं। जब हमारे पास ये दो शीट्स हो जाएंगी उसके बाद हमको क्या करना है, ये शीट्स ऐसे चिपकेंगी, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें फोल्ड करना है। तो इसको मैंने थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया, और सिमिलरली इस शीट का भी इतना ही पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो ये शीट ऐसे आपस में एक दूसरे पर चिपकेंगी। अब क्या करना है, ये जो स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ और ये वाली जो शीट है इसको चिपकाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पे फेविकॉल लगाते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ये शीट आपके ऊपर आने वाली है तो आप इस शीट को पहले कलर भी कर सकते हो। पहले कलर करने से एक हमको बेनिफिट ये होगा कि आप जब उस समय चिपका देंगे तो वो कलर करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, यहाँ पे अगर आप पहले से ही कलर करके रख लेंगे तो वो कलर भी इजीली हो जाएगा। तो हम कलर करते हैं अपने एलिफेंट पर। आपको जितने भी कलर्स चाहिए अपने एलिफेंट पे आपको कलर्स ले लो, और इस पर मैं एक पैटर्न बना रही हूं, क्योंकि हमारा जो एलिफेंट था वो रंग बिरंगा एलिफेंट था। तो देखो मैंने ये एक पैचवर्क बना के एलिफेंट के फेस में कलर कर दिया है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए आप इसको हटा दीजिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, अभी हमने बैक साइड को रखा है और इस पे हम फेविकॉल लगा रहे हैं। तो ऐसे फेविकॉल लगाने के बाद इस स्ट्रॉ को यूं लगाएंगे, और इस स्ट्रॉ के ऊपर फेविकॉल दोबारा से हल्का सा लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमको एक शीट चिपकानी है, ये वाली जो शीट बची थी इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। जब ये शीट भी लग जाएगी तो हम इसको उठाकर यहाँ पे हल्का सा फेविकॉल लगाकर इसे चिपका देंगे इस पे। तो ये हमारा एलिफेंट का फेस हुआ है। ये जब तक चिपकता है हम इसको साइड में रख देंगे। और मेरे पास एक पुरानी शीट पड़ी थी, उस शीट की मैं क्या बनाऊंगी, आंखें बनाऊंगी और एलिफेंट के दांत बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये गोल सा एक सर्किल किया, इससे मैं क्या बना रही हूं, हाथी की आंखें। इनको मैं कट कर लूंगी, तो ये मैंने कट कर ली है हाथी की आंखें। और अब मैं क्या कट कर रही हूं, हाथी के लिए दांत। तो इस तरीके से हम लंबे लंबे हाथी के
दांत कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस हाथी की आंखों पर हम कलर करेंगे। तो हमने हाथी की आंखों पर भी थोड़ा और डिटेलिंग कर दी है, राइट। इन आंखों को हमें यहां पर इस तरीके से चिपकाना है। सो, मैंने क्या किया, हाथी की आंख पर फेविकॉल लगाया और उसको यहां इधर की साइड पेस्ट किया। दूसरी आंख उठाई, उस पर भी फेविकॉल लगाया। इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ये वाले जो, क्योंकि अब ये थोड़ा सूख गया है, तो अब हमको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और ये हमारे क्या बन गए, हाथी के कान बन गए हैं। इन कान को भी हमको चिपकाना है, तो यहां पे हम फेविकॉल लगाएंगे थोड़ा सा और हाथी के कान हम इस तरीके से चिपकाएंगे। इस साइड पे भी हल्का सा फेविकॉल लगा दें और हाथी के कान को चिपका दें। अब ये जो हमने हाथी के दांत बनाए हैं, इसको हम हाथी को ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहां पे हमको ये दांत लगाने हैं पीछे की साइड। तो मैंने यहां पे इसको उल्टा किया और इस तरीके से हाथी के दांत बना दिए। तो हमारा हाथी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो सूंड है इसको हम रोल करेंगे। इसको रोल करने के लिए आप कोई पेन या पेंसिल ले सकते हैं और इसको इस तरीके से आप ऊपर रोल करके लाएं और फिर छोड़ दें। एक बार फिर कर लें, रोल करके लाएं ऊपर तक। और फिर छोड़ दें। धम धम करता आता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, हमें हंसाता हा हा हा, सैर कराता ऊ ऊ, हमें हंसाता सैर कराता, गन्ने देखो खाता हाथी। तो आपको देखना है इसकी सूंड कैसे उठती है। हाथी आपको सलाम कह रहा है। तो हमने कितनी सारी हाथी की कहानियां सुनी। अगर आपको भी कोई हाथी की कहानी आती है तो आप अपने घर पे सबको सुनाना और इस हाथी को जरूर बनाना। तो इस हाथी को पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सबसे अलग दिखता है और इसने सबके जैसा बनने के लिए क्या किया था, अपने आप को फल के रंगों से पूरा कलर करके बाकी सब हाथियों जैसा बन गया था। पर बाकी सारे हाथियों ने एल्मा के रंग को जब बारिश के बाद देखा, तभी वो एल्मा को पहचाने कि ये तो हमारा एल्मा है। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या एल्मा के साथ जो हुआ है ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि मैं भी, सब लोग वैसे हैं, मैं भी वैसा ही बनता हूं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और उसके बाद क्या हुआ था ये भी आप सोचना, ध्यान करना और अपने घर पे सबको बताना, ठीक है? हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।